नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। जो केवीएस की वेबसाइट पे 27 तारीख का एक नोटिस आया हुआ है, जिससे रिलेटेड आपका जो सर्टिफिकेट जो है किस प्रोफॉर्मा में होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी आपको मैंने बताया था। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं, सर ये जो नोटिस आया है ये क्या है, ऐसे ही हमें चाहिए, कैसा चाहिए। ये सब तो एक प्रोफॉर्मा है जो पहले भी कहीं ना कहीं केवीएस के एनेक्सर के द्वारा आपको बताया गया था। सबसे ज्यादा जो दिक्कत हो रही है बच्चों के साथ वो ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर हो रही है। तो जो ओबीसी वाले हैं वो ध्यान से मेरी आज की वीडियो देखना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए, ठीक है। जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी जो आपको दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है, उस समस्या को इस वीडियो के कमेंट में बताइए, ताकि हम आपकी समस्याओं को पूर्ण रूप से सॉल्व कर सके। तो अभी जो यहां पर आप देख रहे हो कि आपके पास जो परफॉर्मा दिया गया है, जो फॉर्मेट दिया गया है, उसके बेसिस पे आपका सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के बाद आपके सर्टिफिकेट, अब जब जाओगे इंटरव्यू में तो वो सब चीजें आपकी चेक की जाएंगी। तो ये सब आप ऑलरेडी रखिए, ठीक है, आपके चाहे वो टीचिंग पोस्ट के हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट के हैं। अभी देखो क्या है, आपकी टाइपिंग होनी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकली हैंडीकैप हैं, खासकर जिसमें ओएच वाले हैं, उनका फिजिकल सर्टिफिकेट देखा जाएगा टाइपिंग के द्वारा, ठीक है। तो वो बंदे अपना पीएच का जो सर्टिफिकेट है सेंट्रल का, उसको रेडी रखें, और किस फॉर्मेट में होना चाहिए वो फॉर्मेट में बता दे रहा हूं। और पहले तो मैं आपको वेबसाइट दिखा दे रहा हूं। वेबसाइट आप जब देखोगे, ये देखो ये वेबसाइट आपकी है। इस वेबसाइट में आप जब जाओगे तो यहां आपको 27 तारीख का नोटिस दिख रहा होगा। 27 तारीख को नोटिस में यहां पर आपको देखो, परफॉर्मा ऑफ ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पीएच एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वेजिलेंस सर्विस या बायोडेटा और अंडरटेकिंग, ये सभी आपका अंडरटेकिंग तो आपको ऐसे लिख के लेके रखना है, ठीक है। बायोडेटा का फॉर्मेट आपको दिया गया वैसे ही प्रिंट करा के, ठीक है, चाहे वैसे ही फॉर्मेट बनवा लो आप बायोडेटा का, वो आपको जरूरी होता है, आपका चेक होता है बस। ये बायोडेटा इंटरव्यू वाला नहीं है, इंटरव्यू वाला अलग आता है, वो परफॉर्मा अलग आएगा, ठीक है। तो यहां पे 27/3 का ये अपडेट है, इसको जब डाउनलोड आप करोगे, ठीक है, इसको हम डाउनलोड करते हैं। देखो आपके सामने अभी ये देखो खुल के आएगा, डाउनलोड नहीं हो रहा है, चलिए इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं। यहां से आपको मैं दिखा दूं, यहां डाउनलोडेड फाइल है आपकी, ये रही, हाँ ये रहा फाइल। चलिए ये परफॉर्मा है, देखिए यहां पे ओबीसी सर्टिफिकेट। और सबसे पहले सबसे जो ज्यादा दिक्कत है आप लोगों को ओबीसी वालों का, क्योंकि ओबीसी में सेंटर की लिस्ट और स्टेट की लिस्ट अलग अलग होती है। अगर आपके सर्टिफिकेट में, आपका सर्टिफिकेट का परफॉर्मा जो होना चाहिए, फॉर्मेट जो होना चाहिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। और सबसे बड़ी जो जरूरी बात है, आपके सर्टिफिकेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जरूर लिखा होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपका सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है, यहां पर देखिए, यहां देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस लाइन को आप देखिए ध्यान से, जो बोला ना शेड्यूल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लाइन आपके पूरा जो आपका सर्टिफिकेट बना होगा, अगर आपका कहीं लिख दिया कि फला स्टेट गवर्नमेंट के तहत आप ओबीसी के सर्टिफिकेट हो, तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। और जो भी सर्टिफिकेट है आपका कास्ट का, वो जब भी केवीएस का लास्ट डेट था ना फॉर्म का, उससे पहले का होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके इस फॉर्मेट में होना चाहिए, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ओबीसी कास्ट में आते हो, क्योंकि सब में अलग अलग है, स्टेट वाइज ओबीसी का अलग अलग आता है, सेंट्रल की लिस्ट अलग होती है कि किसको किसको वो ओबीसी में लेता है नॉन क्रीमी लेयर में। तो ये आपके पास सर्टिफिकेट है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका फॉर्मेट यही अंग्रेजी वाला होना चाहिए। ऐसे ही एससी एसटी वाला, एससी एसटी में कोई आपका जो होता है स्टेट और उससे रिलेटेड नहीं होता, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट आपका कैसा होना चाहिए, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। इस कास्ट के अकॉर्डिंग यहां पर लिखा है ना, स्टेट एंड यूनियन, यहां पर बोला है इतना कास्ट ट्राइब्स पर्सन हु हैव बीन माइग्रेट फ्रॉम वन स्टेट टू एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर, ठीक। यहां पर देखिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ये आपका उसमें नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में नहीं बोला है कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही होना चाहिए एससी एसटी का सर्टिफिकेट, क्योंकि उसमें कोई अलग से लिस्ट नहीं होती है। जितने लोग एससी एसटी आते हैं वो सब में आपके कवर होते हैं, लेकिन ओबीसी वालों के लिए दिक्कत है। स्टेट में ओबीसी वाले कुछ अलग होते हैं, सेंट्रल की लिस्ट में कुछ लोग छट जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, और कुछ नए इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए वो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट आपका यही होना चाहिए जो मैंने आपको दिखाया, इसी फॉर्मेट में आपका, जैसे ये फॉर्मेट लिखा है ना वैसे ही फॉर्मेट आपका होना चाहिए। और यहां पर दिया भी गया है किसके द्वारा आपकी ऑथराइज्ड होना चाहिए, बोला भी है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, ये सब लिखा है। अब नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिकली वीकर क्लास, ठीक है, उसका भी फॉर्मेट आपका ये अंग्रेजी वाला ही बनवा लेना, ये बेटर रहेगा, ठीक है। ये भी जैसे आपका होता है इसी फॉर्मेट पे होगा, यहाँ साइन होगा, जैसे इशू होता है ना उसी के अकॉर्डिंग होगा। और यहाँ पे बोला है कि यहाँ पर बिलोंग्स टू द कास्ट विच इज नॉट रिकॉग्नाइज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अदर बैकवर्ड क्लास ऑफ सेंट्रलिस्ट, ठीक है। ये सब चीजें आपकी लिखी होनी चाहिए, यहाँ आपका फोटो होना चाहिए, और जो भी आपका जहां से भी आपका बनता है EWS आपके तहसील से उससे, और जो मजिस्ट्रेट आपका बनाता है वही वाला चलता है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। और यहां पर देखो PWD वाला है, पर्सनल पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला, ये PH वाला आप लोगों का सर्टिफिकेट ऐसे होना चाहिए, सेंट्रल से रिलेटेड होना चाहिए, इसी वाले फॉर्मेट पे आपका पूरा का पूरा होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका देख लीजिए जैसे इसमें दिया गया है, अगर इसी के अकॉर्डिंग है तो आप एकदम अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, सब कुछ यहां पर दिया गया है। अब अगला यहां पर देख लेते हैं हम लोग, NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है ये आप अगर आप किसी विभाग में पहले से कार्यरत हैं तो वहां से आपको एक NOC लेना पड़ता है विभाग से, जिसका फॉर्मेट ये रहेगा आपका, ठीक है। इसी फॉर्मेट में आप कह दीजिएगा कि भैया हमारे वहां से विभाग से अपने पैड पर इसी तरह फॉर्मेट में प्रिंट करा के आप NOC ले लीजिएगा ऐसे, तो ये NOC हो गया अगर आप पहले से किसी जगह पर कार्यरत हैं तो। उसके बाद ये बायोडाटा है, इसी पर आप एक A4 साइज में वर्ड में लिखवा लीजिएगा पोस्ट रोल नंबर आपका क्या था, कैटेगरी क्या है, अपना नाम ओम, और यहां पर 10+2 से मतलब 12 बिगिनिंग टू फॉर्म 10+2 लेवल तक अपना एजुकेशन यहां पर भर दीजिएगा, जो भी आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो ये बायोडाटा टाइप का हो गया। और अगर आपने कहीं वर्क किया है, ठीक है, जिस भी पे मैट्रिक्स लेवल पर, वो अपना डिटेल यहां पर भर दीजिएगा, ठीक है। अपने बारे में योर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट, ठीक है, ये आप बता दिएगा, एक शॉर्ट नोट लिखना है कि इस पोस्ट के लिए आप कैसे सुटेबल हैं, ठीक है। ये बायोडेटा का फॉर्मेट आ गया आपके, जो इंटरव्यू में भी ये शायद लग जाए। एनी स्पेशल अचीवमेंट आपका जो होगा वो आप अपने वर्ड में लिखना है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, डेट, ठीक है। ये आपका वही इंटरव्यू वाला जो बायोडेटा है उसी के अकॉर्डिंग है, इसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है, जो आपका बायोडेटा है ना ये होता है इंटरव्यू में आपको देखा जाएगा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से अंडरटेकिंग आपका एक सर्टिफिकेट रहेगा, वही अंडरटेकिंग यहीं से, ठीक, इसी के बाद अंडरटेकिंग रहेगा कि यहां पर हम ये चीजें हैं, इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए हैं और जो भी जानकारी है वो सत्य है, और सिग्नेचर करके आपका डेट, ये पूरा आपका दो पेज, ये एक आपका बायोडेटा, एक अंडरटेकिंग, ये ले लीजिएगा। यहां पर एक शॉर्ट नोट लिखना है, ये आपको आलोक सर ने बताया कि आप सुटेबल, योर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट, ठीक है। और यहां पर आपके अचीवमेंट के बारे में अपने शब्दों में दो चार लाइन में लिख देना, अपना सिग्नेचर लिख देना है, तो ये आपका हो सकता है इंटरव्यू में ये वाला लिया जाएगा, यही बायोडाटा शायद कंसीडर किया जाएगा, आगे नहीं आएगा, यही बायोडाटा आपका कंसीडर किया जाएगा, जहां इंटरव्यू में आपको थोड़ा सा देखा जाएगा कि क्या क्या चीजें आपने की है, ठीक। बाकी आपका जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है सब कुछ रेडी रखिएगा। ये बायोडाटा भी मैं यही कहूंगा कि आप लोग इसी को लिख, इसी को प्रिंट करा के नाम मत भर लीजिएगा, थोड़ा प्रोफेशनली काम करिएगा, इसी फॉर्मेट में बनवा लीजिए, जाइए किसी दुकान पर, साइबर कैफे पे, कहिए मेरा बायोडाटा इसी फॉर्मेट में आप बना दीजिए, ऐसे टेबल में पूरा एकदम लिख के, और उसके बाद से जो आपको वर्ड वर्ड तो आता ही होगा ना, वहीं पे आप अपने बारे में कुछ भी अंग्रेज जो भी होगा यहां पर नोट अपना लिखवा दीजिएगा, अपने अचीवमेंट लिखवा दीजिएगा, फिर उसका प्रिंट करके सिग्नेचर मार दीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा प्रोफेशनली दिखेगा आपका बायोडाटा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग सर्टिफिकेट अपने सब कुछ रेडी रखिए, कोई भी अगर दिक्कत है, नाम वाम का कोई दिक्कत है, कहीं कुमार कहीं कुछ यादव कुछ इधर उधर हो गया है नाम में, तो उसके लिए आप लोग एफिडेविट तैयार रखिएगा, ठीक है, पहले से कि ये चीजें दिक्कत हो गई है वो आप लोग बनवा लीजिएगा, क्योंकि DV में आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। लेकिन हाँ, एक बार आप लोग अपना फॉर्मेट सब कुछ देख लीजिएगा, OBC वाले खासकर देख लीजिएगा कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत लिस्ट में आते हो या नहीं, आपका जो सर्टिफिकेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है या नहीं लिखा है, सेंटर वाला है कि नहीं, बाकी सबका चलेगा, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर्मेट आपका जैसा बनाया गया है उसी अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।